कैसे? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मतलब 12 बजने वाली हैं जैसे कि। तो अब जाके मैं फुर्सत से फ्री हुई हूँ। तो आज मेरा कुछ ऐसा प्लान है, ये जा रखे हैं देहरादून किसी काम से और मैं घर पे फ़िलहाल हूँ अभी अकेले। मतलब अकेले मैं अपने रूम पे अकेले हूँ, मम्मी और अपने रूम पे है क्योंकि इतना भयंकर ठंडा हो रहा है कि किसी का मन नहीं कर रहा कहीं बैठने का, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो हल्की फुल्की बहुत ही धीमी धूप आ रही है और उसमें भी हवा इतनी भयंकर चल रही है कि कान ठंडे हो जा रहे हैं हाथ पैर। तो हम मैंने क्या डिसाइड किया है, बहुत लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि कल है इनका बर्थडे। तो ये जा रखे हैं देहरादून। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक प्लान किया है कि मेरे बर्थडे के टाइम पे ये बलून्स वगैरह लेके आए थे तो कुछ बच गए थे और मेरे पास ना कुछ ऐसी मतलब थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है। तो मैं आज करने वाली हूँ थोड़ा बहुत अपना रूम डेकोर। जब तक वो आते तो उनको मैं दूंगी थोड़ा छोटा सा सरप्राइज़। अगर उनको मैं सरप्राइज़ दूँगी ना तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा अरे वाह, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत नॉर्मली सा रिस्पॉन्स देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बट मैं चाह रही हूँ कि आज मैं ना हल्का सा सरप्राइज़ दूँगी। मैं अपना रूम छोटा मोटा यहाँ पे डेकोर करने वाली हूँ, आप देखते रहिए मेरे साथ मैं किस तरीके से डेकोर करूँगी। और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलेंगे तो उनको टेंटन है, देखते हैं कैसा वो रिस्पांस देते हैं। तो मैं करने वाली हूँ थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन और डेकोरेशन के लिए मेरे पास जो सामान है ना वो कुछ इस तरीके का सामान देखो। ये है लाइट, इसके लिए तो नहीं है, ये भी है कुछ थोड़ा बहुत सामान और इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है। तो मेरे पास पुराना सामान पड़ा हुआ था, मेरे को मार्केट जाने का टाइम मिला नहीं। अब वैसे भी मैं यहाँ मार्केट जाती नहीं हूँ क्योंकि मोस्टली जब भी मैं यहाँ मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं हमेशा इन्हीं के साथ गई हूँ मार्केट, और जो भी मुझे सामान लेना होता तो मैं इनके साथ ही जाती। तो मुझे यहाँ का मार्केट का एक मतलब ABCD बोलते हैं ना मार्केट का, कुछ भी नहीं पता। तो लेट सी, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और मैं आज उन्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ, मैं गिफ्ट अभी लेके नहीं आई हूँ, शायद मैं अभी खाना वाना बनाने के बाद मैं गिफ्ट लेने भी जाऊँगी। छोटू सा गिफ्ट है, ज़्यादा बड़ा गिफ्ट तो नहीं दूँगी अभी, जब थोड़ा उस हिसाब से मैं कमाने लग जाऊँगी तो उस हिसाब से मैं गिफ्ट दूँगी। अभी जिस हिसाब से मैं कमा रही हूँ तो उस हिसाब से मैं गिफ्ट भी दूँगी। गिफ्ट क्या होता है, छोटा बड़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है उनको गिफ्ट मतलब इतना मतलब गिफ्ट का इतना शौक है नहीं, बट मैं अपनी तरफ से छोटू सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। और जो गिफ्ट दूँगी ना देखती हूँ कैसा दिखता है, कैसा लगता है उन पर। फाइनली मुझे बलून्स मिल गए हैं, थैंक गॉड, ये अंदर रखे हुए थे। अभी पता है किसको पता था, साक्षी को पता था। मैंने साक्षी को फ़ोन किया था कि तुम लोगों ने उस दिन डेकोरेशन करी थी तो बलून बचे थे कि नहीं, तो साक्षी ने मुझे बोला कि वहाँ रखे हुए तुम्हारे उस ड्रॉअर में जहाँ टेप रहता है, तो मैं वहाँ गई तो मुझे सारे बलून्स मिल गए हैं। सो लेट्स गो। मेरे पास ना मेरे पे तीन मेरे दुपट्टे हैं, मतलब कि मेरे पे नेट वाले दो तीन दुपट्टे हैं। तो एक तो है ये स्काई ब्लू में और एक है पिंक में और एक है ये गाजरी कलर में। सो मैं ये देखूंगी कि जो इसमें मैच करेगा मैं वही लगाने वाली हूँ। पहले मैं देखती हूँ कौन से इसके साथ मैच करेगा क्योंकि मेरे पे पिंक बलून्स हैं और वाइट है। सो जैसे तैसे मैंने ये लगा दिया है, मतलब बहुत जुगाड़ करके लगाया है, स्टैपलर लगाई है। और ये कर्टन मैंने अभी कर्टन क्या है बोलूँगी, मेरी चुन्नी है ये, तो चुन्नी से मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है। और अभी मैं इसको पूरा अच्छे से कवर कर दूँगा, अभी ढक से दिखेगा नहीं आपको क्योंकि अभी आ रही पीछे से रोशनी, तो जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो जाएगा मतलब शाम हो जाएगी तो वैसे ही ये कवर हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। और मेरा इतने जुगाड़ करके इसके ऊपर चढ़ चढ़ के मैंने उस पर स्टैपलर लगाया है। सो देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अब आती है बर्थडे ये लगाने की बारी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे बर्थडे वाला कहाँ गया, पता नहीं कहाँ है। ये तो पुराना वाला बर्थडे का है, चलो मैं इसको ही लगा देती हूँ फिलहाल। अभी वो वाला मुझे पता नहीं कहाँ रख दिया। सो ये रहा हैप्पी 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 बर्थडे। मैं नीचे लगाऊंगी क्योंकि जिस हिसाब से कर्टन लगा रखा है उस हिसाब से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये बहुत पुराना वाला है, पिछले साल के इनका बर्थडे वाला, आपने देखा होगा ब्लॉग में पिछले साल भी मैंने डेकोरेट किया था रूम वहाँ वाला जहाँ हम रेंट पे रहते थे। तो अब मैं इस बार घर में करने वाली हूँ घर पे।
कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब फीका फीका दिख रहा है, अभी पूरा नहीं बना है। वैसे तो मेरे पास ये भी है, मैं इसको भी कहीं यूज कर सकती हूँ। सरारा सरारा शरारा 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 शरारा। मैंने ये जो ये मेरे पे थे ना बचे हुए, तो मैं सोचो इसका यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मैंने साइड साइड में लगा दिए। तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ से हटा के तो अब बारी आई है बलून्स फुलाने की, तो मैं फुलाने जा रही हूँ बलून्स। मैंने खाना बना लिया है, फटफट फटफट फट करा, तो डेकोरेशन चल रही है, आधी अधूरी डेकोरेशन हो रखी है, तो वो बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है मुझे अभी तक, कुछ वाव तो नहीं लगा। हाँ बस थोड़ा इसको लगा के वाव लगा। सो अब बलून्स फुलाती, उसके बाद बलून्स लगाऊंगी, तभी चार चांद लग जाएंगे बलून से, फिर लगाऊंगी लाइट, तो उसकी लाइटिंग के बिना कैसे अच्छा लगेगा। सो बने रहिए मेरे साथ। सो मैंने बलून्स का एक स्टैंड इधर लगा लिया है, और एक बलून फूट भी गया, सिर्फ एक ही फूटा और एक फूटा हुआ था ही। तो इस तरफ तो मैंने अभी कर दिया है थोड़ा बहुत, अब इस तरफ से ऊपर की बारी भी है, अभी ऊपर से ऐसे हल्का सा राउंड लेके आऊँगी। तो और अभी मेरे को लाइट्स भी लगानी है, तो अभी फ़िलहाल इतना कवर किया है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे कैसा रहता है। बहुत मेहनत लगी मुझे उसको फुलाने में और उसको स्टैंड में वो करने की। सो देखते रहिए मेरे साथ किस तरीके से मैं इसको और डेकोरेट करूँगी। कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है, तो अभी लाइट लगना बाकी है, तो अब बची है ये लाइट, और शाम को मैं ये चश्मा पहनूंगी। टिंटिंग कैसे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चश्मे दो हैं मेरे पास, एक ग्रीन एक पर्पल। सो ग्रीन तो मैं अपने लिए लूंगी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। माय फेवरेट कलर इज ग्रीन and purple for my husband so तो अभी लाइट लगानी है, लाइट का जुगाड़ देखो कहाँ से करूँगी। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डन है, मैंने अभी लाइट लगा दी। मैं एक बार देखती हूँ, मैंने टेस्ट तो करा नहीं थी जब लगाने से पहले कि जल रही नहीं, बट अब मैं करूँगी टेस्ट, लाइट बंद करती हूँ, फिर आप देखना कैसे लग रही है। ठीक है, लाइट बंद। मजा आया। A few moments later.